लॉकडाउन के दौरान सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा यह दावे किए गए थे कि किसी भी राशन अथवा खाने की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, चाहे वह कोई भी हो, वह भूखा नहीं सोएगा। लेकिन सरकार की यह दावे उस समय फेल हो गए जब राशन संबंधी शिकायत को लेकर कई मजदूर महिलाओं और बच्चों के साथ उपायुक्त से मिलने पहुंचे, लेकिन वहां भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उपायुक्त कार्यालय पहुंचे मजदूरों का कहना है कि लॉकडाउन 1 में उन्हें राशन मिला था, लेकिन उसके बाद किसी ने भी, चाहे वो प्रशासन है या फिर सामाजिक संस्थाएं हैं, किसी ने भी उनकी सुध नहीं ली है, जिस कारण से वह भूखे मरने की कागार पर हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि प्रशासन द्वारा जो हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया गया है कि उस पर फोन करते हैं तो सामने वाला कहता है कि निर्मल कुटिया में जाकर खाना खा लो, अगर वह निर्मल कुटिया की ओर जाते हैं तो पुलिस उन्हें डंडे मारती है, ऐसे में वे जाए तो जाए कहां। इसलिए वह आज उपायुक्त से मिलने के लिए आए हैं ताकि वह अपनी समस्या उन्हें बता सके। आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते कई मजदूर जो कि करनाल में मजदूरी के लिए आए थे वह यहीं पर रुके हुए हैं। परिवहन के सभी साधन बंद होने के चलते वह अपने घरों की ओर भी नहीं जा सकते, ऐसे में प्रशासन ही उनका एकमात्र सहारा है, लेकिन वो भी उनकी अनदेखी कर रहा है। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। जिला बदायूं कस्बा उसाइद के रहने वाले हैं सर, हम यहाँ पे करीबन 100 बंदे हैं सर। हम सर 1950 पे कॉल करते हैं तो ना ही तो हमें राशन देने आए, मेरे से बोलते हैं कि निर्मल कुटिया खाने चले जाओ। निर्मल कुटिया खाने जाएंगे 100 बंदे तो सर हमारे लिए लाठी नहीं मारे पुलिस वाले। अब घर जाने बोलते हैं, हमने अपने SP साहब से, DSP साहब से और SDM साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि लिस्ट बना के आधार कार्ड और मोबाइल नंबर चढ़ा के आप DC ऑफिस देने चले जाओ, उसके बाद आपको घर भेजा जाएगा 3 तारीख को। यहाँ आते हैं सर, कोई हमें DC साहब से मिलने नहीं देता है। DC साहब से मिलने जाते वो बाहर बैठे हुए, उनको मुझे वो अंदर बढ़ने नहीं देते हैं, कहते हैं यहाँ कुछ नहीं होता सर। अब सर बहुत से लोग महाराष्ट्र से UP जा रहे हैं सर, हमारे लिए भी घर जाना है। तो कहाँ रहते हो? हम यहाँ मीरा घाटी मायापुरी करनाल में रहते हैं। मायापुरी करनाल। तो यहाँ मजदूरी करते हो? हाँ जी मजदूरी करते हैं, कबाड़े का काम करते हैं सर। यहाँ हमारे लिए 1 महीना 6 दिन हो गए पूरे कमरे में रहते हुए। कोई संस्था वगैरह कोई राशन देने के लिए? राशन देने नहीं आया सर, एक बार राशन हमारे को देने आए थे 14 तारीख को जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तभी। उसके बाद सर हमने कई बार फोन किया, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, पर कोई राशन देने नहीं आया। यही बोलते हैं कि तुम निर्मल कुटिया खाने चले जाओ। सरकार की तरफ से कोई राशन की व्यवस्था? कोई देने नहीं आया सर। और फोन करते हैं तो उस पर 1950 बोलते हैं, ये वही बंदा जो बार बार फोन कर रहा है। बस ये कह के फोन काट देते हैं कि आ जाएगा राशन, अभी तक कोई राशन देने नहीं आया। तो DC ऑफिस में अगर जाते हो आप राशन की बात करने के लिए तो आपको DC ऑफिस में वो DC साहब से मिलने नहीं देते हैं सर, बाहर बैठे हैं, वो बोल देते हैं जाओ यहाँ कुछ नहीं होता है। ये कौन कहता है कि निर्मल कुटिया में चल जाओ? जो 1950 पे कॉल करते हैं वो अधिकारी बोलते हैं सर। आप ये बताइए सर, 100 लोग अगर निर्मल कुटिया जाएंगे तो लॉकडाउन का पालन हो जाएगा? कैसे भी नहीं होगा। अब 2 लोग यहाँ आए हैं पालन कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम राशिद है, UP के रहने वाले, जिला बदायूं के, हमारा कस्बा उसाइद है। यहाँ परेशान है इसीलिए यहाँ आए। अब तक लॉकडाउन रहा तब तक तो हम अपने लॉकडाउन का पालन करते रहे, अब अगर व्यवस्था हो नहीं रही है इसीलिए हम यहाँ आए, सड़क पर आए। हाँ बहुत परेशान है सर, या तो हमें कोई व्यवस्था से यहाँ निकालें या हमारे खाना मुहैया। खाना भी नहीं मुहैया करवा रहे हैं? खाना भी नहीं हो रहा है, अभी तक हमें एक भी बार नहीं मिला रहा सर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.